रुकेगा तो ये मुझे नहीं करना। तू मुझे दे, मुझे दे। तो क्या हो रहा है? हाँ, ये पकड़। ओके, स्टिक टू द प्लान ब्रो। इधर अब वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे और साथ में सिंदूर दान और मंगलसूत्र भी होगा। क्या हुआ? क्या क्या बोल रही हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो प्राची। मेरे डैड तुम्हारी मॉम के साथ है और उन्हें कोई जान से मारना चाहता है, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, मुझे जानना है। इसका मतलब है माँ की जान को भी खतरा। मुझे प्लीज बताओ कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, ओके? मुझे नहीं पता, मैं खुद अपनी फ्रेंड की शादी के लिए आई हूँ। But don't worry, मैं जल्दी उन्हें ढूंढ लूंगी, ओके? मैं ढूंढती हूँ उन्हें। प्राची, just she got the call, just help me। शान, माँ और पापा को कोई मारना चाहता है, उनकी जान खतरे में, हमें जाना होगा। अबे ये तो मैंने रिया को झूठ बोला था, वो We have to go. Sir, let's go. अरे आराम से, कहाँ भागी जा रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हर बार ऐसा होता है। क्या होता है? आपको मेरा नंबर याद नहीं है? ये बात, just for this, तुम sensible हो, grown up हो, तुम मुझे बताओ जरूरी क्या है, नंबर याद रखना क्या नंबर वाली याद रखना? मैं किस कैटेगरी में आती हूँ? तुम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। ये कैटेगरी वैटेगरी क्या है, तुम इस सबसे परे हो यार। तुम में हर चीज आती है, तुम में हर बात आती है, तुम स्पेशल, स्पेशल कैटेगरी। कहाँ की स्पेशल? स्पेशल कैटेगरी वाली का ही नंबर भूल गया? नंबर भूल गया हाँ, पर बाकी सब कुछ याद है। याद है? बाकी सब याद है आपको? सब याद है, सब कुछ। हम पहली बार कब मिले थे? Are you serious? पहली बार कब मिले थे, ये भी कोई सवाल होता है? जब हम आमने सामने आए थे तभी मिले थे ना। ये कैसे जवाब हुआ? ये बिल्कुल सही जवाब हुआ, तुम इसे झुटला नहीं सकती। हम आमने सामने आए तभी तो मिले ना, करेक्ट? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम पहली बार झगड़े कब थे? अरे गुंडे पीछे पड़े, तुम हंसा क्यों रही हो? पहली बार मतलब हम जब भी मिलते हैं झगड़ते ही रहते हैं, पहली बार क्या है उसमें? इट्स ऑलवेज अ न्यू टाइम। अगला सवाल, आप तुम ये बोली कि पहली बार आपने मुझे सॉरी कब बोला था? क्या बच्चों ऐसे गेम खेल रही हो? गलत सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे, तुम्हें पता है मैं सॉरी नहीं बोलता। क्या पहली बार सॉरी कब बोला था मैंने? ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि हमने जब, अरे बस बस करो, बस मेरी बात तो सुनो। पूछने है तो कुछ अच्छा पूछो ना। अभी अभी शादी हुई है, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, कुछ रोमांटिक पूछो ना। ये पूछो कि मैंने तुम्हें आई लव यू कब बोला? ये पूछो कि पहली बार मैंने तुम्हें अपनी बाहों में कब लिया था? ये पूछो कि पहली बार मैंने तुम्हें किस कब किया था? हमारी फर्स्ट नाइट के बारे में पूछो, उसके बाद पहली बार। बस बस बस, मुझे पता है आपको ये सब तो याद ही होगा। और क्यों याद होगा, ये तो पूछ नहीं रही हो तुम। पूछो। क्यों? क्योंकि सास भी गई बहुत ही ना। I mean, कहा था ना, धूप में दिमाग खराब हो जाता है मेरा। क्योंकि मैं टकराव की बात करना नहीं चाहता, मैं तुमसे जुड़ी हुई हर प्यारी चीज याद रखना चाहता हूँ। तुमसे जुड़ी कोई भी अच्छी चीज ना मैं भुला नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे सिवा और कुछ याद नहीं रखना चाहता। पता है जब तुम सामने होती हो तब भी मैं तुम्हें मिस करता हूँ, जैसे अब कर रहा हूँ। और जब मैं नहीं होती हूँ साथ तो क्या मिस करते? पता है ऐसा कोई मोमेंट नहीं होता जब मैं तुम्हें मिस नहीं करता, सिवा एक मोमेंट के, जब तुम मेरे भाव में होती हो। क्योंकि वही एक मोमेंट है जब मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाती है।
सब कुछ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए होता। रिया की बात सच तो नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं सच नहीं हो सकती। राची, हाँ, मासी नहीं है वहां पे। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तूने उनके बच्चों से पूछा? किसी ने तो देखा होगा ना माँ को या सरिता आंटी को? मैं पड़ोस वाले घर में गई थी, वहाँ लॉक लगा हुआ है, सब पिंकी की शादी में गए हुए, और मासी वहाँ पे टेरेस पे भी नहीं है। पिंकी की माँ का नंबर है तेरे पास? हाँ, मुझे दे, मुझे दे। वो क्या है ना कि माँ और सरिता आंटी को इन्वाइट किया था ना उन्होंने पिंकी की शादी पे, हो सकता है वहां चली गई हो। मैं पूछती हूँ। रिया, तुम्हें पता है ना कि मीरा घर से जा चुकी है? What? हाँ, और तुम्हारे लिए बहुत कुछ सुना के भी गई, कह के गई है कि तुम जिद्दी हो, रूड हो, एक बिगड़ी हुई लड़की, और तुम्हारी केयरटेकर बनना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मुझसे ये सब सुना नहीं गया, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड लीव। वैसे तुम भी नहीं चाहती थी कि वो इस घर में रहे? मैं नहीं चाहती थी। मुझे आपने मुझसे कहा था ना कि प्राची के मॉम डैड के लिए बहुत अनलकी है, वो जब भी उनके साथ रहती है तो डैड को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, आपने ऐसा मुझसे कहा था ना? रिया, आलिया ने तुमसे जो भी कुछ कहा तुम उसे भूल जाओ। और आलिया, रिया ये सब इसलिए कह रही है कि उसको लग रहा है कि अभी की जान खतरे में। What? क्या? अभी की जान को खतरा है? आपको तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपने तो रणबीर को कॉल करके बताया कि डैड की जान खतरे में है, इसलिए डैड और प्राची की मम दोनों फोन नहीं उठा रहे अपना। आप प्लीज मुझे बताइए कि आप, किसने बताया कि डैड की जान खतरे में है? अरे किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं रिया। फिर भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि वो प्रज्ञा के साथ है। और वो नहीं चाहता होगा कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। अब तो समझ में आ रहा है ना दोनों में कितना प्यार है। आप हमारे घर में क्या कर रही हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए आई है। क्या इम्पोर्टेंट काम है इन्हें यहाँ? आलिया, ऐसे पहली बार होगा एक समधन अपनी बेटी की ससुराल में उसका गृह प्रवेश करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर रणबीर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, वो तुम्हारी लेग पुलिंग करा होगा। अरे लेकिन मम्मी, तू यहाँ क्या कर रही है? जाके प्रज्ञा के गृह प्रवेश की तैयारी कर। हाँ बीजी, अभी लाती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डैड सेफ है तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? और मीरा आंटी गई है तो फिर मुझसे मिलके क्यों नहीं गई? एक मिनट, क्या डैड को पता है कि मीरा आंटी घर छोड़ के चली गई है? अब जो चला गया है वो चला गया है, उसकी बात करके कोई फायदा नहीं है रिया। बूजी, आपको बात करनी पड़ेगी और मुझे अब जानना है। डोंट रेज योर वॉल्यूम रिया। नो बूजी, यू कांट लीव दिस टाइम। चलो ना, आप खाना खाते हैं, मेरे पेट में कुत्ते, चूहे, बिल्लियां सब दौड़ रहे हैं। आप खा लीजिए। हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? अब हम एक ही थाली में खाएंगे। एक ही थाली में खाने से ना ये बढ़ जाता है प्यार। ठीक। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा। ऐसे क्या देख रही हो? क्यों? क्यों मतलब? आने से पहले अगर प्यार चढ़ गया ना तो पेट जो है ना वो प्यार से ही भर जाएगा। आओ आओ, कर क्या रही है तुम? प्यार सिर्फ आपका बढ़ सकता है, मेरा नहीं।
इतना दर्दीला प्यार है, बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुमने ये चोटी पर काटा है ना, नीचे काटता तो फर्क नहीं पड़ता, ऊपर इट हर्ट्स। अब ठीक है। हाँ प्राची। हेलो पूरब सर, आई मीन चाचू, माँ और पापा कहाँ हैं आपको पता है? क्यों, क्या हुआ? आई मीन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? सब ठीक तो है ना? मैंने बताया था प्राची को, डैड प्राची की मॉम के साथ है और डैड की जान खतरे में है। हाँ लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? वो अरे कुछ नहीं यार, वो एक्चुअली रणबीर रिया की टांग खींच रहा था, ऐसा मतलब झूठ बोल रहा था उस। झूठ पर? अरे टेंशन मत ले यार, वो एक्चुअली रणबीर ने इसे ऐसा कहा कि उसके डैड, मतलब मैंने रणबीर को फोन करके बताया कि जो अभी है ना वो मुसीबत में। काश ये मजाक ही होता पर ये सच है। क्या हुआ, कुछ सोच रहा है क्या? कुछ नहीं बस ऐसे। प्राची अब तुमने सुन ही लिया होगा, रणबीर ने झूठ कहा था, तुम्हारे मॉम और डैड दोनों सेफ हैं। नहीं एक्चुअली माँ घर पर नहीं है और उनका फोन नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सोचा आपको पूछूं, आपको कुछ पता है वो कहाँ है? प्राची नेटवर्क प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना। उसकी माँ और पापा दोनों साथ में है ना, उनको कुछ नहीं होगा। सरिता आंटी है वहाँ पे? हाँ सरिता जी यही हमारे साथ, मैं फोन लाउड स्पीकर पे डाल रहा हूँ, तुम बात कर लो। सरिता आंटी आप प्लीज प्लीज जल्दी से घर आ जाओ ना, प्राची प्राची बहुत परेशान हो रही है, ये अपनी तबीयत खराब कर लेगी। नहीं नहीं सरिता आंटी आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ पता करना था आप ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप आराम से आइए, ओके अपने मन से आइए। थैंक यू पूरब सर, आपने हमारी प्रॉब्लम थोड़ी आसान कर दी। बाय बाय, थैंक यू। बाय प्राची। कहा था ना तुझे कि टेंशन मत ले, तू कितना पागल है। बीजी ये रही थाली। पूरब ऐसे क्या देख रहा है, तेरी प्रज्ञा दी की गृह प्रवेश की तैयारी है। पूरा को टेंशन? देख जो बात मैं अभी बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। रणबीर ने अभी को लेके जो बात कही वो भले मजाक में कही हो लेकिन वो बात बिल्कुल सच है। अभी और प्रज्ञा दी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कर लूंगे ऐसे ही ठोकरे। मेरे तीन गिनने तक इसने खोला नहीं तो दरवाजा तोड़ देना। तेरा चाकू मेरी कन, इसका खेल खत्म। कहा ना आई एम बिजी राइट नाउ, इंस्पेक्टर से बोलो कल मिले। मैं कमिंग सर। ही इज हियर, कम। चैन सर मैं बिजी हूं, तुम्हें ये मैसेज नहीं मिला? सर अर्जेंट है इसलिए आना पड़ा, सिर्फ एक मिनट लूंगा मैं आपका। बोलो। सर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पिछले काफी समय से हमारे डिपार्टमेंट को इसकी तलाश थी, आज इसके बारे में कुछ क्लू मिला सर, और मैं चाहता हूं इसको हर हाल में गिरफ्तार किया जाए, हाई प्रोफाइल केस है सर। बिजनेसमैन अभिषेक मेहरा के लिए इसने सुपारी ली है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, कुछ भी कर सकता है सर। अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे तो हमारी जॉब जा सकती है। लेकिन सर जाओ जाके डिसरिगार्ड केस देखो, अगर कोई केस नहीं है तो बेशक घर जाके सो जाओ। सर प्लीज समझने की कोशिश करिए, कुछ भी हो सकता है सर, हमारी पुलिस पर गोलियां चला सकता सर ये। सर मैं अपनी लाइफ का रिस्क ले रहा हूं और आप मुझे केस सॉल्व करने से रोक रहे हैं। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है, केस सॉल्व करो, पब्लिक की हेल्प करो, इसे पकड़ो, लेकिन आज नहीं कल। लेकिन सर
अगर तुम फिर भी नहीं माने ना तो जो भी कुछ होगा ना उसके सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। जाओ यहां से। आपने जैसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। अब तुम्हारा बेटा सेफ है। आपने कहा था कि आप मेरे बेटे को वापस लौटा देंगे। बिल्कुल लौटा दूंगा, पर जो बात तुम इंस्पेक्टर को कह रहे थे वो मैं तुम्हें भी कह रहा हूं। तुम्हारा बेटा घर आएगा, लेकिन आज नहीं, कल। गाड़ी तो बहुत गंदी है। गंदी है तो क्या हुआ, कपड़े थोड़ी जो पहनने चलानी तो है, बैठिए। अरे तुम समझ नहीं रही हो, लोग मुझे चलाते हुए देखेंगे तो हंसेंगे मेरे पे। आई कांट। वो कहां से कि मतलब कोई रॉक शो में थोड़ी एंट्री मारनी है आपको, यहाँ से भागना है बस। अरे शो नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं रॉक स्टार तो हूँ ना। रॉक स्टार तो आप है लेकिन बिजनेसमैन भी तो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के हंसने से बेहतर है क्या हम रोए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार, मैं गाड़ी को लेकर थोड़ा सेंसिटिव हूँ। गाड़ी खराब ना तो मेरा मूड भी खराब। आपके मूड के चक्कर में ना हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, चलिए ना। नहीं तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार, दो मिनट दो ना, मैं साफ कर देता हूँ। अरे आज शादी हुई है तो गाड़ी को डोली बनाएंगे। तुम अगर ये साइड होती ना किस कर देते, क्या आइडिया दिया है तुमने। नहीं नहीं शादी हुई है इसे फूलों से सजा देता हूँ, पीछे लगता था जस्ट मैरिड, फूल कहाँ मिलेंगे। गाड़ी में फूल लगाने के चक्कर में हमारी तस्वीरों में फूल चढ़ जाएंगे, आप बैठिए। अरे तो वो तो पीछे पड़े हैं, तुम यहाँ पर दिमाग खा रही हो क्या, तुम बैठो ना यार। आजा आजा, तेरे ही रुका था। बहुत हो गया, अब तुझे गोली से नहीं हाथ से मारकर ही चाहिए। आदमी नहीं मार सकता, डायलॉग तो ठीक मार ले। अब तुझे हाथ से नहीं हथियार से मारूंगा। इससे पहले कि वो लोग आ जाए, निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं अंकल जी, आप भी हमारे साथ चलिए वरना वो लोग फिर से। हमारी फिक्र मत करो, बस तुम दोनों यहाँ से जाओ। जल्दी निकलो बेटा, जल्दी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। निकलो बेटा अपना ख्याल, जल्दी निकलो अपना ख्याल रखना। सर देखना वो हमारे पीछे आ रहा है ना, क्योंकि अगर वो नहीं आ रहा तो हमें वापस यूटर्न लेकर जाना पड़ेगा। क्यों? ताकि उनका फोकस हम पर ही रहे, वरना वो लोग अंकल आंटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये हेल्प की अंकल आंटी ने हमारी, मैं नहीं चाहता वो लोग किसी प्रॉब्लम में आए। वो हमारे पीछे आ रहा है। आ रहा है? हाँ। गुड देन, कैसे पकड़ू इन्हें। हे भगवान, इन बच्चों की रक्षा करना। वो लोग गांव का ब्रिज क्रॉस करें, उससे पहले मुझे ब्रिज पर पहुंचना होगा। शॉर्टकट से जाता हूं। अच्छा हुआ हम रास्ता भटक गए, उससे तो पीछा छूटा। ये पर वो चूहे की तरह ना कहीं से भी टपक जाता। नहीं? ओ शिट! मैं जानता हूं तू बहुत अच्छा आदमी है, किसी को मार नहीं सकता, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूं।
यार रोक, नहीं तो मैं इसे गोली से उड़ा दूंगा। जिस गांव ने हमारी इतनी मदद की है ना, उस गांव के किसी भी इंसान पर आज भी नहीं आनी चाहिए। जाने दो उसे, लड़ना है तो मुझसे लड़। मैं भी यही चाहता हूँ। पहले आके मेरे सामने खड़ा हो। पहले छोड़ उसे, जाओ। गोलियां खत्म। लेकिन तू टेंशन मत ले, और भी हथियार है मेरे पास। तू डिसाइड कर कैसे लड़ना पसंद करेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? तुम अब मुझे एक बात बताओ, तुम सच में डर रही थी या मेरे पास आने के बहाने ढूंढ रही थी? अब फिर शुरू हो गए। अब क्या करूं, तुम सामने होती हो ना, दिल जवान, मैं बचाओ लगाओ। दिल प्यार करने को तड़पता और मैं शरारते करने को तड़पता हूँ। धत क्या, तुम यकीन नहीं करती? अरे पता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड, टीचर, वाइफ, इन्फ्लेटेबल, पता नहीं क्या क्या हो, फुगी, क्या बताओ तुम्हें? तुम होती हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। बस कोई बातें करवा ले आपसे। अरे तुम यकीन नहीं करती, पता है तुम पास नहीं होती हो ना तो मुझे भूख भी नहीं लगती। नो हंगर्स। ये आप प्यार का इजहार कर रहे हैं? तुम यकीन नहीं हो रहा? अरे तुम पास नहीं होते तो मुझे प्यास तक नहीं लगती। मतलब मैं आपकी बीवी नहीं, भूख प्यास हूँ। अरे दवाई भी हो तुम, पता है तुम पास नहीं होती हो, मैं चाहे कितना भी बीमार क्यों ना हो, मुझे दवाई खाने का मन नहीं करता। हाँ बस अब ये मत बोलिएगा कि मिस स्नैक्स, गोलगप्पे, चाट पापड़ी। तुम दवाई, दारू, जिन, टॉनिक, सब कुछ हो तुम, पता है जब तुम पास होती हो ना तो मैं लाइवली, एनर्जेटिक, सुपर हीरो, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, चोरों का गुलाम, सब कुछ फील करने लगता। बस बस बस, आप और बोलेंगे ना तो मुझे मुझे क्या, मुझे आपके भोलेपन पे प्यार आ जाएगा। अब तो और प्यार लुटाने का मन कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, तुम ये मुगैम्बो से चुई मुई सी कैसे बनवाई? ऐसे ऐसे ऐसे। अरे वो देखो, राम जी सीता जी का मंदिर कर ले क्या? शुक्र है भगवान कि अभी और प्रज्ञा का प्यार मिल गया, बस उन दोनों को जुदा नहीं करना। हाँ दोनों ने बहुत दुख देखे, अब इतनी खुशियाँ देना, इतनी खुशियाँ देना कि एक जन्म भी जीने के लिए कम पड़ जाए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे भगवान, ये दिया बुझ गया, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। नहीं नहीं, अब कुछ गलत नहीं हो सकता, कोई अपशगुन नहीं होगा। मैं दिया फिर से प्रगटाती हूँ। अरे ये माचिस क्यों नहीं चल रही है? ठीक से चलाइए ना। ये दिया मैंने अभी और प्रज्ञा के नाम माना था, और पर अब उनकी जोड़ी अब कभी नहीं टूटेगी। चलो अब जो भी डर है ना उसे दूर कर दो। परेशानी सहनी थी उन्होंने सह ली, अब उन्हें कोई नहीं जुदा कर सकता।
तो फिर ये दिया क्यों बुझ गया? आप ठीक से जलाइए ना। नहीं जल रहा। आप मुझे दीजिए, मैं जलाती हूँ। दीजी, ये कुमकुम की थाल कहाँ रखूँ? तू रुक, मैं बताती हूँ। दीजी जो भी करना है ना जल्दी कर लीजिए। एक बार प्रज्ञा घर के अंदर आ गई ना तो हम गृह प्रवेश कैसे करेंगे? हाँ, चला जल गई। कोई टेंशन नहीं है, चलिए चलिए पार्टनर, चलिए। भगवान जी, इनके बिना एक एक दिन एक साल जैसा गुजरा है। अब इनके बिन मुझे एक पल भी नहीं गुजारना। हेलो बॉस, क्या स्टेटस है? जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। तेरे बच्चे के नामकरण पे नहीं आना है तो गुड न्यूज देता हूँ। मुझे उनकी मौत की खबर जल्दी चाहिए। आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है सर। अगला फोन उनकी मौत की खबर का होगा।